टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर है, हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। कल एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला, वहां पर अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले, और आखिरी के 1 घंटे में तो काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले थे कल टाटा मोटर्स में। तो आई थिंक यहाँ पर आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो करीब करीब 510 रुपए के रहेंगे। तो टाटा मोटर्स में 479 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है 510 के टारगेट के लिए। ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं 490 का, जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है, 490 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 8 रुपए के स्टॉप लॉस से। और इस ऑप्शन की जो टारगेट है वो 24 रुपीज के आसपास के रहेंगे। 24 रुपीज़ के अगर आप देखें आसपास इस ऑप्शन के टारगेट रहेंगे। दरअसल यही ट्रेड, यही अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बारीकियों के साथ कल आशीष बहती जी ने भी क्लोजिंग में टाटा मोटर्स को रिकमेंड किया था। मेरे ख्याल से जो चार्ट का चमत्कार उन्होंने पिक किया था टाटा मोटर्स को ही, स्टॉक उस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में था, और 490 का ही कॉल ऑप्शन मेरे ख्याल से 11 रुपये 10 पैसे के आसपास रिकमेंड किया था, वो 12 पे 85 बजा के क्लोज हुआ था। आज इसको पिक किया है माना।